नमस्कार दोस्तों, यम्मी इंडियाज किचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की रेसिपी है सोया बिरयानी। सोयाबीन बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें भारी मात्रा में फाइबर्स होता है, प्रोटीन होता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाएंगे कुकर में, जो बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो फटाफट हम इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप सोया चंक्स यानी कि सोयाबीन। सोयाबीन को हम गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम सोयाबीन से पानी को निचोड़ लेंगे और उसे एक बाउल में रख देंगे। और हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ का प्याज, इसे हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आधा कैप्सिकम, इसे हम चौड़ा काट लेंगे। 1 बड़ा गाजर, इसे हम लंबा काट लेंगे इस तरह से। और 1 मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए, उसे हम मोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से। और हमें चाहिए 4 बड़ा चम्मच फ्राई किया हुआ प्याज। मसालों में हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और चाहिए 2 बड़ा चम्मच दही, 2 खड़ी हरी मिर्च और हमें चाहिए फूड कलर, ये ऑप्शनल है, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, 4 काली मिर्च, 3 लौंग, 1 बड़ा चम्मच काजू, आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़ा चम्मच फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ती और हमें चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चावल। हमें 250 ग्राम चावल चाहिए। बासमती राइस हमने यूज़ किया है, इसे हम धो के पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। सबसे पहले हम कुकर गर्म करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी। घी को हम गर्म होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, 3 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा और इसमें डालेंगे थोड़े से काजू, 1 बड़ा चम्मच, और इसे हम 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। 1 मिनट हो गया है, अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, 1 प्याज को हमें हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारा सुनहरा होना शुरू हो गया है, अब इसमें डालेंगे सोया चंक्स, फिर इसमें डालेंगे टमाटर, और इसमें डालेंगे 1 प्याज, इसे हमें मोटे टुकड़ों में काट लेना है, और हमें चाहिए कैप्सिकम। कैप्सिकम को हमें मोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक बड़ा गाजर, इसे लंबा काट लिया है हमने, हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें डालेंगे आधा बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो निकल जाए। 3 से 4 मिनट हो गया है, अब इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच दही। दही को हमें गैस का फ्लेम लो करके डालना है, नहीं तो जो दही है वो फट सकती है। दही को हम अच्छे सब्जियां मिला लेंगे और इसे हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 1 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच फ्राई किया हुआ प्याज, फिर इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ धनिया पत्ती। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बासमती राइस, जिसे हमने आधे घंटे पानी में भिगो के रखा था। इसे हम अच्छे से सब्जी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम इस पर डालेंगे फ्राई किया हुआ अनियन 2 बड़ा चम्मच, कटा हुआ धनिया पत्ती 1 बड़ा चम्मच, फिर इस पर डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 कटी हुई हरी मिर्च और इसमें डालेंगे फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे 3 पिंच फूड कलर का यूज़ किया है, मैंने 3 जगह इसे डाल दिया है, इसे हमें स्प्रेड नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी, मैंने 1 कप राइस लिया था तो हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। उसके बाद हम कुकर को हल्का सा शेक कर देंगे, हिला देंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से चावल में मिल जाए। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे मीडियम हीट पे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। 1 सीटी आने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। प्रेशर को हम अपने आप रिलीज होने देंगे। जैसे ही प्रेशर रिलीज हो जाएगा हम कुकर के ढक्कन को खोल देंगे। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म सोया बिरयानी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग।